सिख समाज के लोगों ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की, जिसमें सिख समाज से जुड़े कई मामलों पर बात की गई। कुलदीप सिंह भोगल ने कहा कि पीएम ने सिखों और पंजाबियों के लिए कई अच्छे काम किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का रास्ता खुलवाने का काम सबसे अच्छा काम किया गया और सिखों को पाकिस्तान जाने की इजाजत मिली। उसके साथ ही गुरु नानक जी की जयंती पर किसानों के कानून को वापस लिया जाना उनके प्रति बड़ा सम्मान है, लिहाजा सिख समाज भाजपा के साथ है। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह भोगल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राइट विक्टिम रिलीफ कमेटी 1984। सर जिस तरह से अभी आपने कहा कि सरकार ने जिस तरह से सिखों के लिए बेहतर काम किए, किस तरह के वो काम थे, एसआईटी का गठन किया, थोड़ा सा उस पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए 2014 से अच्छे काम किए हैं। सबसे जो बड़ा काम किया है, हम सुबह रोज़ अरदास में कहते थे कि हमें जो गुरुद्वारे हमसे छूट गए हैं उसके दर्शन अभिलाषी हमें किए जाए, हम वहाँ जाएं और उसके दर्शन करें। इनमें से करतारपुर का जो लांगा था वो प्रधानमंत्री जी ने, करतारपुर जो पाकिस्तान में है वो खोला, वहाँ सिखों को जाने की इजाज़त मिली वीज़ा के ऊपर। दूसरा काम उन्होंने किया, जब गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पूर्व था, उन्होंने कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, आज गुरु नानक की देव जी की जन्मदिन है, आज के दिन मैं किसानों के जो काले कानून थे वो वापस लेता हूँ। और वो उस दिन बहुत बड़ा दिन था और किसानों ने उस बात को माना कि आज गुरु नानक के जन्म जयंती पे हम इनको छोड़ते हैं। देखिए एक चीज़ और कि जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस ना होती वाले बयान पर हाँ सदन में मोदी ने कहा, पर क्या कहते हैं? देखिए मोदी जी ने संसद के अंदर जो ये बयान दिया उसको सिखों, सिख भाईचारे और पंजाबियों में एक मैसेज गया कि बीजेपी अभी भी सिखों को इंसाफ दिलाने के जो लोग रह गए हैं यहाँ कानपुर में भी उनको, उन्होंने कहा अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। 36 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने फिर कहा है, पहले इससे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें एक सीट आई है और हम कहेंगे कि सिखों के साथ नरसंहार हुआ है, इसको हम जीते या हारे मगर जब हमारी सरकार आएगी फुल फ्लैश में सबसे पहले जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे। ये मोदी जी ने वही बयान को देख के ये किया कि अब जो 84 के दंगा पीड़ित हैं या 84 के गुनहगार हैं वो जेल की सलाखों में अब कानपुर के जाएंगे। दो बातें उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब से प्यार बहुत है, सिखों से प्यार बहुत है। उन्होंने दो बातें कही थी अपने इंटरव्यू में, एक ये कही उन्होंने कि मैं जब पंजाब प्रभारी था तो मैं अपनी कार, अपने ड्राइवर जो ड्राइवर था